अजय कुमार नंदा, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग प्लस टू के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कोलाइडल सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं एंड हाउ दे आर क्लासिफाइड। सॉल्यूशन क्या होता है ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। अगर मैं इस सॉल्यूशन की तरफ देखूं, विच इज प्रिपेयर्ड बाई मिक्सिंग शुगर इन वाटर, तो इट इज कॉल्ड अ सोल्यूशन बिकॉज इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मीन जिसकी कंपोजिशन हर जगह पे सेम है। द कंपोजिशन जो इस पॉइंट पे है, सेम कंपोजिशन विल बी एट दिस पॉइंट एंड सेम कंपोजिशन विल बी एट दिस पॉइंट। सो व्हेन इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर इट इज कॉल्ड अ सोल्यूशन। बट वट अबाउट दिस मिक्सचर, अगर मैं सैंड को वाटर में डिजोल्व करूं, व्हेन सैंड इज डिजोल्व इन वाटर, तो क्या ये मिक्सचर होमोजीनियस होगा? क्या इसकी कंपोजिशन यहां पर, यहां पर और मैं एक और पॉइंट यहां पे बात करूं तो इज इट सेम? इज द कंपोजिशन सेम थ्रू आउट द मिक्सचर? नो, डेफिनेटली नॉट। हियर द कंपोजिशन इज अ बिट डिफरेंट। एट दिस पॉइंट द कंपोजिशन इज डिफरेंट, एट दिस पॉइंट द कंपोजिशन इज डिफरेंट, द कंपोजिशन इज डिफरेंट एट दिस पॉइंट। जब किसी सॉल्यूशन में कंपोजिशन अलग अलग जगह पे डिफरेंट होती है, मींस वो सॉल्यूशन होमोजीनियस नहीं है। सो ये जो सॉल्यूशन है जिसमें पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, सॉल्यूशन में पार्टिकल्स पूरी तरह से डिसॉल्व हो गए हैं, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ ट्रू सॉल्यूशन। और ये वाला जो सॉल्यूशन है, ये वाला जो मिक्सचर है, इट इज कॉल्ड सस्पेंशन। इसमें पार्टिकल साइज इतना बड़ा है कि दिस सेटल अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन, इन दोनों के बीच में देर इज अनदर काइंड ऑफ सॉल्यूशन विच वी कॉल कोलाइडल सॉल्यूशन। अब इन तीनों में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में, तो इट इज द डिफरेंस ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑनली। पार्टिकल साइज का ही डिफरेंस है। तो आज हम बात करेंगे मेनली कोलाइडल सॉल्यूशंस पे, पर थोड़ा सा देखें, ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, हियर द पार्टिकल साइज इज बिग एनफ दैट दे सेटल्ड ऑन, हियर द पार्टिकल साइज इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज इन बिटवीन दिस टू। सो व्हाट आर सॉल्यूशंस? सॉल्यूशंस क्या होते हैं? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज हाउ दे आर क्लासिफाइड। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज सॉल्यूशंस तीन तरह के हैं, जैसा मैंने कहा, वन इज ट्रू सॉल्यूशन, अदर इज कोलाइडल सॉल्यूशन एंड द थर्ड इज सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। अब ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं? अगर आप इन तीनों को देखें तो यू विल फाइंड कि हियर द पार्टिकल साइज इज बिग एनफ इट इज सस्पेंशन, हियर द पार्टिकल साइज इज इन बिटवीन दिस टू इट इज कोलाइडल सॉल्यूशन, द पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल इट इज ट्रू सॉल्यूशन। सो ट्रू सॉल्यूशन वो है जिसमें पार्टिकल साइज एक नैनोमीटर से कम है। द सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल साइज इज लेस देन वन नैनोमीटर, इफ द पार्टिकल साइज इज लेस देन वन नैनोमीटर देन इट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, शुगर डिजॉल्व इन वाटर, कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर, देर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ सोल्यूशन। सेकेंड वॉज कोलाइडल सोल्यूशन, the solution in which particle size is between 1 nanometer to 1000 nanometer, agar particle size 1 nanometer se kam hai then it is called a collider solution, and if the particle size is between 1 to 1000 nanometer then it is called a collider solution. So collider solution wo wale solution where the particle size is between 1 to 1000 nanometer. And what about suspension? Suspensions are the solutions in which the particle size is more than 1000 nanometer. For example, sand particles dissolved in water. Ab agar particle size 1000 nanometer se jyada hai, then it is a suspension. And if it is in between 1 to 1000 nanometer, then it is a colloidal solution. And if the particle size is less than 1 nanometer, then it is called a suspension. अब कोलाइडल सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स की मैं बात करूं,
कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट कम है विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट लेसर अमाउंट दैट इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज। अब जरा याद करिए सॉल्यूशंस में हम कहते थे द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस वी कॉल इट डिस्पर्स्ड फेज। सो सॉल्यूट इज सेम एज अ डिस्पर्स्ड फेज इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस एंड डिस्पर्स्ड फेज इज सेम एज सॉल्यूट। सॉल्यूट इज इन केस ऑफ सॉल्यूशंस एंड डिस्पर्स्ड फेज इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट दैट इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज हियर। एंड बट अबाउट द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट, अगर मैं इस सोल्यूशन में देखूं तो हियर ये वाले जो कंपोनेंट है विच आर प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट ये वाले दे आर कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स। एंड बट अबाउट द रिमेनिंग जिसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते थे दैट इज हियर इट इज कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम इज द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम लोग डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं। इट इज सेम एज सॉल्वेंट, इट इज सेम एज अ सॉल्वेंट। थोड़ा ये ध्यान रखें जब हम बात करते हैं कि पर्टिकल साइज इज इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर देन वी टॉक अबाउट द पर्टिकल साइज ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस। हम सिर्फ डिस्पर्स फेस के पर्टिकल की साइज की बात करते हैं। डिस्पर्शन मीडियम विच इज अ सॉल्वेंट इसका पर्टिकल साइज बहुत छोटा होता है। पर्टिकल साइज डिस्पर्स फेस का जहां पे 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होगा दैट इज कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। अब तीनों में डिफरेंस क्या हुआ जल्दी से एक नजर मारें। अब मैंने कहा कि पर्टिकल साइज बहुत छोटा होता है ट्रू सॉल्यूशन में तो इट इज कॉल्ड होमोजेनियस। इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन द पर्टिकल साइज इज बिग इनफ इट इज इन बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर तो इट इज हेटरोजीनियस। द कंपोजिशन इज नॉट सेम थ्रू आउट। सस्पेंशन पर्टिकल साइज और बड़ा है इट इज अगेन हेटरोजीनियस। द कंस्टिट्यूएंट्स दे आर आयंस और मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन और इन केस ऑफ कोलाइडल दे आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल चाहिए जिनका साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा हो और दे कैन बी एग्रीगेट्स ऑफ एटम्स, एटम्स आपस में कंबाइन कर सकते हैं टू फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल सो दैट द साइज बिकम्स 1 to 1000 नैनोमीटर एंड दे आर द एग्रीगेट्स ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ सस्पेंशन। अनदर डिफरेंस इज द पर्टिकल साइज, द पर्टिकल साइज इज इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर इन केस ऑफ टू सॉल्यूशंस एंड इट इज इन बिटवीन 1 नैनोमीटर to 1000 नैनोमीटर्स इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस एंड इट इज मोर देन 1000 नैनोमीटर्स इन केस ऑफ सस्पेंशंस। द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं वो दे विल नॉट सेटल, पार्टिकल्स वोंट सेटल बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। दे सेटल अंडर सेंट्रीफ्यूगेशन, दे सेटल ड्यू टू ग्रेविटी, दे आर इनविजिबल। इतने छोटे पार्टिकल्स हैं दे आर इनविजिबल। दिस पार्टिकल्स कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप, दे कैन बी सीन अंडर थ्रू नेक्ड आई। द पर्टिकल्स ऑफ ट्रू सोल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट, वो स्कैटरिंग लाइट की नहीं करते हैं, बहुत छोटे हैं और पर्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन दे स्कैटर लाइट। कुछ फेनोमिना हैं लाइक ब्रॉनियन मूवमेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, टिंडल इफेक्ट। ये क्या होते हैं इनके बारे में हम लेटर ऑन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में इन द नेक्स्ट वीडियो, पर ये जो फेनोमिना है दे आर नॉट ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन में ये फेनोमिना नहीं ऑब्जर्व्ड, दे आर नॉट ऑब्जर्व्ड, वहां ऑब्जर्व नहीं होते हैं। बट इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस दे शो ऑल दिस फेनोमेना, दे शो ऑल दिस फेनोमेना। पार्टिकल्स का डिफ्यूजन बहुत तेज होगा इन केस ऑफ कोलाइडल, इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस बिकॉज द पार्टिकल्स हैव वेरी स्मॉल साइज, बहुत छोटा साइज उनका है, सो इसलिए उनका डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है, रैपिड होता है। पर्टिकल्स छोटे हैं तो इसलिए सोल्यूशन इज ट्रांसपेरेंट इन केस ऑफ ट्रू सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन में भी लगभग ट्रांसपेरेंट, इट इज यूजली ट्रांसपेरेंट एंड इन केस ऑफ सस्पेंशन द सोल्यूशन इज टोटली ओपेक। सो हमारे लिए जो इस चैप्टर में मेन रहेगा दैट इज कोलाइड्स और कोलाइडल सोल्यूशन। हम सिर्फ कोलाइडल सोल्यूशन की ही बात यहां पर बाकी इसके बाद करेंगे। द टर्म
कोलाइड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई अ स्कॉटिश केमिस्ट थॉमस ग्राहम. थॉमस ग्राहम ही वॉज अ ग्रेट स्कॉटिश केमिस्ट हु क्वाइंड द टर्म कोलाइड. कोलाइड दो टर्म से मिलकर बना था, वन वॉज कोला एंड अदर वॉज आइड्स. कोला इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स ग्लू एंड आइड्स मीन्स लाइक. तो कोलाइडल सोल्यूशन वो वाले सोल्यूशन हुए विच हैव ग्लू लाइक अपियरेंस, जिनकी ग्लू की तरह की अपियरेंस है, दे आर कॉल्ड कोलाइडल सोल्यूशन. कोलाइड वर्ड जो आया था वो ये आया था कि ऐसे सोल्यूशन जिनकी ग्लू की तरह अपियरेंस है. लेटर ऑन कहा गया कि जिनका पर्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर है. सो द टर्म वॉज क्वाइंड बाई थॉमस ग्राहम. और होते क्या हैं कोलाइड्स? ऐसे सोल्यूशन इन विच द पर्टिकल साइज इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. प्यारे बच्चों ये आप ध्यान रखें, कोलाइड इज अ स्टेट नॉट ए सब्सटेंस. कोलाइड किसी सॉल्यूशन की किसी सब्सटेंस की वो स्टेट है, इट इज नॉट ए सब्सटेंस. कोलाइड वो वाली स्टेट है जहां पे पर्टिकल साइज, वेयर द पर्टिकल साइज इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, इट इज नॉट ए सब्सटेंस इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉमन साल्ट की बात करूं, NaCl, when it is dissolved in water it gets totally dissolved, and when it gets totally dissolved puri tarah se ghul jata hai, so the particle size is less than 1 nanometer and it becomes a true solution. But agar main NaCl ko dissolve karu in organic solvent like benzene, then the particle size is more than 1 nanometer, rather it is in between 1 to 1000 nanometer, then it forms a colloidal solution. So आप ये नहीं कह सकते कि ये substance colloidal solution है, ये substance की state है. Water में ये true solution बना देगा, benzene में ये colloidal solution बना देगा, ये state है when the size is between 1 nanometer to 1000 nanometer. एक पर्टिकल सब्सटेंस एक सॉल्वेंट में एक डिस्पर्शन मीडियम में ट्रू सॉल्यूशन हो सकता है, दूसरे डिस्पर्शन मीडियम में वो कोलाइडल सॉल्यूशन हो सकता है किसी तीसरे डिस्पर्शन मीडियम में वो सस्पेंशन हो जाए. तो इट इज अ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, नॉट अ सब्सटेंस इटसेल्फ, ये ध्यान रखें. सो जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनना है इट डिपेंड्स अपॉन द मॉलिकुलर साइज, ये मॉलिकुलर साइज पर डिपेंड करता है. ये वो वाली स्टेट है सब्सटेंस की व्हेन द साइज इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. ये बात जो मैं कह रहा था इसको आप ध्यान रखें. पर्टिकुलर सब्सटेंस कैन बिहेव लाइक ए कोलाइड इन वन डिस्पर्शन मीडियम बट एज अ ट्रू सॉल्यूशन इन अनदर मीडियम. फॉर एग्जांपल NaCl इज अ क्रिस्टलाइड दैट इज ट्रू सॉल्यूशन इन केस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन वाटर में, बट बेंजीन में इट बिहेव लाइक ए कोलाइड. हाउ दे आर क्लासिफाइड? कोलाइडल सॉल्यूशंस की क्लासिफिकेशन हम तीन तरह से करते हैं. द वेरी फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पोज्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, उनकी फिजिकल स्टेट कैसी है, वेदर दे आर सॉलिड लिक्विड और गैस. सेकेंड क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन कैसी है डिस्पोज्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम में. एंड द थर्ड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पर्टिकल्स ऑफ dispersed phase, dispersed phase के पर्टिकल्स कैसे हैं. तो कोलाइडल सोल्यूशन की क्लासिफिकेशन तीन तरह से करते हैं. पहली है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन, एंड थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पर्टिकल्स. एक एक करके बात करते हैं. द वेरी फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट अगर मैं dispersed phase की बात करूं तो dispersed phase के पर्टिकल्स अगर सॉलिड हैं तो dispersion medium के पर्टिकल्स दे कैन बी सॉलिड लिक्विड और गैस. और जब डिस्पर्स्ड फेज के पर्टिकल्स लिक्विड हैं तो डिस्पर्शन मीडियम कैन बी सॉलिड लिक्विड और गैस. एंड व्हेन द डिस्पर्स्ड फेज इज अ गैस इट कैन बी सॉलिड लिक्विड और गैस. बट ये ध्यान रखें व्हेन अ गैस इज डिसॉल्व्ड इन गैस, जब डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्शन मीडियम दोनों गैस हों, देन इट बिकम्स अ ट्रू सॉल्यूशन एंड इट इज नॉट ए कोलाइडल सॉल्यूशन. जब दो गैसेस को मिक्स करते हैं तो पर्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर तो वो ट्रू सॉल्यूशन होगा. तो कुल मिला के वी कैन से दैट on this basis, on the basis of physical state, there are of 8 kinds: solid, insolid, solid dissolved in solid, dispersion medium is which is present in larger amount. So, ek kam hai solid, insolid, solid in liquid,
सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, इस तरह से ये आठ तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। When the both are solids, solid in solid, it is called solid sol. Example is alloys, colored glass, gemstones. Solid in liquid, when the solid is dissolved in liquid, जब किसी solid को आप liquid में dissolve करेंगे, यहाँ पे liquid ज़्यादा है, so ये जो solution होगा, it will be in the liquid form. Solid कम है, solid is in the lesser amount. The examples are paints, solutes. When a solid is dissolved in gas, solid is in lesser amount, gas is in the larger amount, then it is called aerosol. Aerosol का example is smoke and dust. आप अगर smoke देखें तो solid dust particles they are present in the air. Liquid in liquid, sorry, liquid in solid. Solid is in the larger amount, तो इसकी जो state होगी that will be solid. और ये example is, it is called gel. The examples are cheese, बटर, जेलीज, इवन शू पॉलिश कैन बी द एग्जाम्पल. वन अ लिक्विड इज डिजॉल्व इन लिक्विड, इट इज कॉल्ड एन एमल्शन. एग्जाम्पल इज मिल्क, हेयर क्रीम. लिक्विड इज डिजॉल्व इन ए गैस, गैस ज्यादा है तो इट विल बी ऑफ द काइंड ऑफ गैस, इट इज कॉल्ड एरोसोल. एग्जाम्पल इज फॉग, मिस्ट, क्लाउड. आपने देखा होगा फॉग, द वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट इन एयर. When gas is a dispersion medium, then it is called aerosol. Gas अगर dispersion medium है, then it is called aerosol. वो भले ही dispersed phase solid हो, चाहे liquid हो, it is called aerosol. Where the gas is present as a dispersion medium. When gas is present in solid, for example, foam, leather, pumice stone, or when the gas is present in a liquid, liquid ज़्यादा है, gas कम है, then we call it foam, froth, whipped cream, soft leather, all these are the examples of this category. The classification on the basis of interaction between dispersed phase and dispersion medium, दोनों के बीच की interaction. On the basis of interaction, there are two kinds. One is lyophilic colloids and there is lyophobic colloids. लायोफिलिक कोलाइड्स का क्या हो मतलब हुआ, द वर्ड लायो स्टैंड्स फॉर लिक्विड, लायो स्टैंड्स फॉर लिक्विड एंड बाय द लिक्विड हियर आई मीन डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम. एंड द वर्ड फिलिक हैज कम फ्रॉम द वर्ड फाइल, फाइल मीन्स लव और अट्रैक्शन. वेयर देयर इज अ attraction for the dispersion medium means ऐसे colloidal solutions in which there is attraction, there is love, affinity between dispersed phase and dispersion medium. जब दोनों में there is a great affinity or love, when there is a great affinity between dispersed phase and dispersion medium, then it is called a lyophilic colloid. Phobic, phobic बना है from the word phobia. Phobia means no attraction, rather hatred, no affinity. When there is no affinity between dispersed phase and dispersion medium, dispersed phase or dispersion medium में there is no attraction, no affinity, then it is called lyophobic. दोनों में difference की बात करें तो देर इज नो एफिनिटी देन इट इज कॉल्ड लायोफोबिक, देर इज ग्रेट एफिनिटी देन इट इज कॉल्ड लायोफिलिक. अब जब इन दोनों में अट्रैक्शन नहीं है, एफिनिटी नहीं है, तो दे कैन बी इजिली प्रेसिपिटेटेड, द पर्टिकल सेटल डाउन इजिली, प्रेसिपिटेशन हो जाती है इन केस ऑफ लायोफोबिक, एंड दे आर नॉट रेडिली प्रेसिपिटेटेड, इजिली प्रेसिपिटेशन नहीं होती इन केस ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स. दोनों में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है, देर इज नो अट्रैक्शन, तो दे आर लेस स्टेबल,
और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है तो दे आर मोर स्टेबल. लायोफिलिक सॉल्यूशंस आर मोर स्टेबल. लायोफिलिक सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग. डिस्पर्स फेज डायरेक्ट डिस्पर्स मीडियम को थोड़ा सा मिक्स करिए, दोनों इजीली बन जाएगा बिकॉज दोनों में देर इज अट्रैक्शन. और यहाँ देर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम इन केस ऑफ लायोफोबिक. लायोफोबिक में अट्रैक्शन नहीं है तो दे आर प्रिपेयर्ड बाई सम स्पेशल मैथड्स. वी शैल टॉक अबाउट दिस मैथड्स लेटर ऑन. थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज. तीन तरह के कोलाइडल सोल्यूशन है. वन इज मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रो मॉलिक्यूलर एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स. मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स क्या होते हैं? मल्टी मॉलिक्यूलर नाम से ही क्लियर है, मल्टी स्टैंड्स फॉर बहुत ज्यादा, अ नंबर ऑफ. अगर बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल्स कंबाइन करके एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं एंड इट्स साइज इन इज इन द कोलाइडल रेंज, देन सच कोलाइडल सॉल्यूशंस आर कॉल्ड मल्टी मॉलिक्यूलर. मान लीजिए मेरे पास छोटे छोटे कोलाइडल सॉल्यूशन है जिनका पार्टिकल साइज हाफ नैनोमीटर है. अगर पार्टिकल साइज हाफ नैनोमीटर तो दे आर नॉट कोलाइडल सॉल्यूशंस. बट अगर ऐसे छह पार्टिकल्स आपस में मिल जाते हैं देन द पार्टिकल साइज बिकम्स 3 नैनोमीटर. और इस तरह अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स कंबाइन करके एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं सो दैट द साइज कम्स इन द कोलाइडल रेंज दैट इज 1 to 1000 नैनोमीटर, देन इट इज अ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड. तो मल्टी मॉलिक्यूलर वो वाला हुआ व्हेन द स्मॉल मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल डायमेंशंस. छोटे छोटे पार्टिकल्स एग्रीगेट करते हैं आपस में. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट, सल्फर सॉल्ट, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी मॉलिक्यूलर. सेकेंड इज मैक्रो मॉलिक्यूलर. मैक्रो मॉलिक्यूलर अब नाम से ही पता लग रहा है, मैक्रो स्टैंड्स फॉर बिग. मैक्रो मॉलिक्यूलर वेयर द पार्टिकल्स आर बिग साइज्ड, बड़े बड़े पार्टिकल हैं सो दैट देयर साइज इज इन बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर. फॉर एग्जाम्पल द कोलाइड्स फॉर्म्ड विद पॉलीमर्स, स्टार्च, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, दे आर ऑल मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स. बट अबाउट एसोसिएटेड कोलाइड्स, सर्टन सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसेंट्रेशन. कुछ सब्सटेंसेस दे बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसेंट्रेशन, बट एट हायर कंसेंट्रेशन दे बिहेव एज कोलाइडल सोल्यूशन. ऐसे कोलाइडल सोल्यूशंस को, सच कोलाइडल सोल्यूशंस आर कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइड्स. सर्टन सब्सटेंसेस बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसेंट्रेशन. लो कंसेंट्रेशन पे वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, बट एट हायर कंसेंट्रेशन दे बिहेव एज कोलाइडल सोल्यूशन. सच कोलाइडल सोल्यूशन आर कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइड्स. और वो कोलाइडल सोल्यूशन क्यों बिहेव करते हैं? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल्स कॉल्ड मिसल्स. अब मिसल्स कैसे बनती हैं उस पर बात करते हैं. उसके लिए रिलेटेड दो टर्म्स हैं, वन इज क्राफ्ट टेम्परेचर. मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस अबव अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर. ये जो एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ही बनते हैं, दैट स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर. एंड द सेकेंड टर्म इज सीएमसी, क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन. मैंने कहा था कि जब कंसंट्रेशन लो है तो दे बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट, व्हेन द कंसंट्रेशन इज हाई दे बिहेव एज कोलाइडल सॉल्यूशन. ये वाली जो लिमिट है दैट इज सीएमसी. अगर सीएमसी से कम है तो इलेक्ट्रोलाइट है, सीएमसी से ज्यादा है तो दे आर कोलाइडल सॉल्यूशंस. ये जो सीएमसी है इस कंसंट्रेशन पे जाके मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस करता है, मिसल्स बनते हैं एट दिस. सो मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस अबव दिस टेम्परेचर दैट इज सीएमसी. अबव दिस कंसंट्रेशन, सो द कंसंट्रेशन अबव विच मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस दैट इज कॉल्ड सीएमसी. अब हाउ मिसल्स आर फॉर्म, उसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं. लेट अस कंसीडर सॉप मॉलिक्यूल. सॉप इज द सोडियम और पोटाशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स. फॉर एग्जाम्पल सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट डिसोसिएट हुआ इन द एक्वस सॉल्यूशन टू गिव स्टीरेट आयन एंड द सोडियम आयन. ये जो स्टीरेट आयन है
इसमें दो पार्ट हैं, दिस इज द हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये वाला जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, फोबी मीन्स रिपेलिंग, हाइड्रो मीन्स वाटर, इट इज वाटर रिपेलिंग इन नेचर, और ये वाला जो कार्बोक्सिलेट आयन एंड है COO नेगेटिव आयन एंड है इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, इट इज वाटर अट्रैक्टिंग. नो व्हाट हैपेंस व्हेन द कंसंट्रेशन इज लो, जब कंसंट्रेशन कम है तो ये जो हाइड्रोफिलिक एंड है विच इज COO नेगेटिव वाला पार्ट है, नेगेटिव वाला पार्ट, इट इज प्रेजेंट इन साइड द सोल्यूशन, और ये जो हाइड्रोफोबिक एंड है ये सॉल्यूशन के बाहर ही रहता है, दस दिस मॉलिक्यूल्स रिमेन ऑन द सरफेस, ये जो हैं दे रिमेन ऑन द सरफेस, जिसमें आर जो वाला पार्ट था हाइड्रोफोबिक पार्ट दैट पॉइंट्स आउटवर्ड, और CO ग्रुप इज प्रेजेंट इन वाटर एंड इट बिहेव्स एज अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, इस पोजीशन पे इट इज अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट. व्हेन द कंसंट्रेशन इज इंक्रीज एंड इट बिकम्स मोर देन CMC, जब कंसंट्रेशन CMC से ज़्यादा हो जाती है देन व्हाट हैपन्स, ये जो हमारे पास वाटर रिपेलिंग हाइड्रोफोबिक एंड थे, ये वाले जो हाइड्रोफोबिक एंड थे दीज एंड्स, ये आई कॉल देम ABCD, ये जिनको मैंने कहा, तो द पॉइंट इन वर्ल्ड ये ABCD है, और अगर मैं इनको कहूँ तो दे आर, इफ दे आर PQRS तो ये PQRS दो, दे आर ऑल सेम, मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे ये पता लगे कि कौन सा एंड कहाँ है, ये वाला जो हाइड्रोफोबिक एंड था दैट पॉइंट्स इनवर्ड, जो हाइड्रोफिलिक एंड था दैट पॉइंट्स आउटवर्ड, और इस तरह से एक बड़ा सा ये पार्टिकल बनाते हैं, एग्रीगेटेड पार्टिकल्स, एंड दीज एग्रीगेटेड पार्टिकल्स आर कॉल्ड मिसल्स, और ये मिसल्स बनाते हैं, दे आर कॉल्ड आयनिक मिसल्स, एंड दिस वे द मिसल्स आर फॉर्म. So let us talk about the cleaning action of soap. It is based upon this micelle formation. Soap में sodium potassium salts of long chain fatty acid हैं. Dirt मैल होती क्या है जिसको हमने रिमूव करना है, ये दे आर द डस्ट पार्टिकल्स वेटेड इन ऑयल ग्रीस और स्वेट, ये डर्ट है इन केस ऑफ ऑन द फैब्रिक, जब सॉप को आप डिजोल्व करते हैं तो वो क्या करते हैं कि ये जो डर्ट का पीस है जो हाइड्रोफोबिक एंड थे, जो सॉप का हाइड्रोफोबिक एंड है, ये वाला जो हाइड्रोफोबिक एंड है इट इज बेसिकली नॉन पोलर और डर्ट इज ऑल्सो नॉन पोलर, तो ये नॉन पोलर नॉन पोलर दोनों आपस में चिपक जाते हैं, तो ये वाटर रिपेलिंग एंड इट गेट्स अटैच टू द डर्ट, और ये जो वाटर अट्रैक्टिंग एंड्स हैं दे पॉइंट आउटवर्ड एंड दस दिस मिसल इज फॉर्म्ड विद द डर्ट ट्रैप्ड इन साइड, ये जो डर्ट है वो इसमें ट्रैप हो जाती है और मिसल बनती है. अब इन सारी मिसल्स में ये जो COO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट एंड था ये बाहर की तरफ को पॉइंट करता है, तो दीज हैव गॉट अ नेगेटिव चार्ज, और ये मिसल्स के पास नेगेटिव चार्ज होने की वजह से दीज मिसल्स डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वन एन अदर, ये देयर इट मिसल है ये दूसरी है, बहुत सी मिसल्स प्रेजेंट होंगी इस सॉल्यूशन में, और जब इस सॉल्यूशन में बहुत सी मिसल्स हैं तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होके दे डू नॉट कोगुलेट बिकॉज इन सब के पास नेगेटिव चार्ज है, एंड एज ए रिजल्ट दे ऑल रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर, इसलिए वो सारी की सारी वाटर में ही सस्पेंडेड रहती हैं, ऑल दिस मिसल्स दे रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर एंड हैंस दे आर इजिली रिंस्ड अवे विद वाटर, दस सॉप रिमूव्स डर्ट पर्टिकल्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स. थैंक यू वेरी मच.